डीजेस क्रिएटिव यूनिट जो हमारी कंपनी है हमेशा माइलस्टोन शोज और टेलीविजन हिस्ट्री से सालों से एसोसिएटेड है। कोई भी एक नया किस्म का सीरियल हो, कोई भी नया कॉन्सेप्ट हो, ज़्यादातर डीजेज ने ही इस किस्म के शोज़ बनाए हैं। वेदर इट्स बनेगी अपनी बात और जस्ट मोहब्बत और लेफ्ट राइट लेफ्ट और जैसी जैसी कोई नहीं। तो कॉमेडी में ये हमारा पहला कदम तो नहीं है, बट जो अडेप्टेशन है एक फॉरेन सीरीज को लेके उसे इंडिया में अडेप्ट करना, इस किस्म के सिटकॉम्स में डीजेस का पहला कदम है और इंडिया में ये पहली बार हुआ है। सो वी आर वेरी प्राउड। हम बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं और पूरी ह्यूमिलिटी के साथ ये कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को 20-22 ईयर्स इस इंडस्ट्री में रहने के बाद, काम करने के बाद, इतने माइलस्टोन शोज और अवार्ड्स जीतने के बाद भी ये मौका मिलता है। सो इट्स सुमित संभालने का एक सिटकॉम है और इट्स बेस्ड ऑन द अमेरिकन सीरीज कॉल्ड एवरीबडी लव्स रेमंड, जो दुनिया भर में मशहूर है। अमेरिका में उसने 9 सीजन्स कंप्लीट किए। उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, इंग्लैंड और रशिया में भी उस बहुत बड़ा हिट रहा है ये सीरीज। हम आपके सीरियल के बारे में बात करें, जैसे जैसे कोई नहीं, जो वो भी एक एडेप्शन था लेकिन काफी ज्यादा फेमस हुआ उनके उसके एक जैसे जैसे उनके उसके लुक पे। तो सुमित संभालने का कि उसमें क्या नया कुछ मिलने वाला है लोगों को देखने के लिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बार एक चैनल जिसका मेन स्टे दाल चावल सास बहू है, उस चैनल पे कॉमेडी आ रहा है, तो ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इन्होंने आज तक ऐसे कभी कॉमेडी की नहीं। और जैसे स्टार प्लस ने शो को प्रमोट किया है और उसको सराहाया है, तो ये एविडेंस है कि आई थिंक सबसे बड़ी बात इस शो की ह्यूमर होगी, कि ये शो लोगों को हंसाएगा। और मुझे लगता है सब लोगों को हंसना बहुत ज़रूरी हो गया है। और एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से ये शो है, तो अगर ये जस्सी एक एंड पे था तो सुमित दूसरे एंड पे है, क्योंकि जस्सी एक लड़की की पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था और सुमित संभाले का एक आदमी जो अपनी बीवी और माँ के प्यार के बीच फंसा हुआ है। तो आई थिंक ये जो एक थॉट है यूनिवर्सल है, और इस यूनिवर्सल थॉट को आई थिंक ऑडियंस बहुत पसंद करेगी। इसका ये यूनिकनेस है। आई फील कि कभी कभी हमें पहाड़ तक जाकर सीरियल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत सिंपल आइडिया होता है और वो आइडिया लोगों को पसंद आता है और वो ऑडियंस को अच्छा लगता है। सो आई थिंक समटाइम्स द वेरी मेड वेल कैन बिकम अ वेरी बिग हिट इन टूडेज टाइम्स। सो मुझे लगता है कि एक सास बहू को एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना इज गोइंग टू बी रियली रियली स्पेशल फॉर सुमित संभालेगा। तो एक आदमी क्या करता है जब एक तरफ माँ का प्रेशर हो और एक तरफ बीवी का प्रेशर हो। सो एक किस्म से एक आदमी और फैमिलीज के लिए भी एक किस्म की किताब है। हर मर्द का दर्द क्या होता है और उस दर्द को डील करने के लिए क्या करते हैं, आप सुमित से जानिए। लाइक जैसे जैसे कोई हम देखेंगे तो फिर वो पूरी सीरियल पूरी अडेप्ट की गई थी, वो सिमिलर ही था। तो क्या इस सीरियल में भी कुछ नया क्रिएटिव कुछ देखने के लिए, जैसे डीजे क्रिएटिव सही आपका, तो कुछ नया कुछ मिलेगा इसमें देखने के लिए? बस हमारा नाम इतना क्रिएटिव है कि हम कोशिश ही करते रहते हैं कि क्रिएटिव होते रहे। क्रिएटिविटी बहुत आसान चीज़ नहीं है, मगर सी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में हमने बेस किया है तो कल्चरली बहुत अलग है। जब आप एक्चुअली हमारा सीरियल देखोगे और अगर हम आपको बताएं ना कि ये अमेरिकन अडाप्टेशन है, तो आपको खुद भी लगेगा कि यार ये तो बड़ा देसी है। सो ये तो अब देखने पे पता चलेगा। बट जस्सी में भी हमने उसको अपनी तरह से कहा था। यहाँ भी जब हमने वर्कशॉप की अमेरिकन राइटर्स के साथ, उसके बाद हमको वो फ्रीडम मिली कि ये शो को अपनी तरह लिखा जाए। अब एक जीके में, जीके वन में एक फैमिली ऐसी रह रही है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कोठी है, ग्राउंड फ्लोर पे माँ बाप और फर्स्ट फ्लोर पे खुद सुमित और उसकी फैमिली। तो ये किस्म का सिनारियो भी बहुत ही इंडियन है, बहुत ही रिलेटेबल है। एंड इस सतीश कौशिक जी जो फादर प्ले कर रहे हैं, आई थिंक वो जो इंडियन और देसी दिल्लीपना लाएंगे इस कैरेक्टर को, आई थिंक आपको कभी नहीं लगेगा कि इसमें कुछ अमेरिकन या फॉरेन है। तो घर बैठे लोग जो जो जनता होगी वो इस सीरियल को कितना देख के कितना हंसने वाली होंगी, या फिर हंसते हंसते आंसू निकलेंगे, या फिर कुछ नया? मुझे लगता है कि भाई हंसना तो
टीवी पे आजकल लोगों को हंसाना वो ही नई बात है, क्योंकि बहुत ढेंटड़ा ड्रामा हो चुका है, तो मुझे लगता है कि वो ही नई बात होगी कि पूरी फैमिली साथ में। मुझे कभी कभी डर लगता है कि शायद शो के बाद थोड़ी लड़ाइयाँ ना हो जाए घर पे क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि भाई लड़ते लड़ते हंसो, लड़ना भी अच्छा है, एक दूसरे को अपने मन की बात भी कहना अच्छा है। अजीब सी फैमिलीज होती हैं, टेढ़ी होती हैं, कैसी भी होती हैं। ये जो टीवी पे ना बहुत अनरियल सी फैमिलीज दिखाते हैं, जो हमेशा एक दूसरे को अच्छे से बात करते हैं और जो इतना प्यार दिखाते हैं, इतना रियल नहीं होता है सच में। रियल लाइफ में माँ बेटी को देख लो यार, लड़ते रहते हैं, बहन भाई को देख लो लड़ते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ यार दो लोग कभी। तो आई थिंक बेसिकली ये यही लेके जाएगा ऑडियंस तक कि इसके अलावा मैम और कौन से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? सब टीवी पे हमारा एक शो आ रहा है, वो भी एक कॉमेडी है। ऐसा लग रहा है कि हंसाने का दौर आ चुका है, तो जैसे मोदी साहब कहते हैं अच्छे दिन आने वाले, हम कहते हैं कि हंसी मजाक के दिन आने वाले हैं, तो हंसते रहो वही अच्छा है। एंड कपल ऑफ अदर शोज भी वर्किंग ऑन, बट मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी भी कुछ नया करने के लिए द आइडिया इज कि आप एक एक आइडिया को कमिट करो। एक साल से ये बच्चा पैदा हो रहा है, 9 महीने में निकल जाना चाहिए था बट 1 साल हो गया है। तो मेरे लिए ये टोनी और मेरे लिए ये शो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें सीखने को मिला और जो हम लोगों, सो वी फील कि ये दौर में हमने ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर करियर, कि हम जैसे एक, जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो वही रिलेशनशिप आपके लिए जरूरी होता है। इस वक्त हमारा रिलेशनशिप सुमित संभालेगा के लिए बहुत के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है। एंड वी वॉन्ट कि दिस ऑडियंस को, ये इंडियन ऑडियंस को एक नया कुछ मिले एंड वो उसको उसे पसंद करे। तो जो 1 साल से ये प्रोग्रेस चल रहा है, अभी 31 तारीख को लाइक ऑनलाइन हो जाएगा, तो जी फिर क्या कहना चाहेंगे जनता से? यार, इस बच्चे को प्यार करो इस बच्चे को दौड़ाओ, इस बच्चे को पहले चलाओ फिर दौड़ाओ, जो भी करो बस शो देखना।